योग योग्याश्राय के जाप से हम शुरू करते हैं। कृपया धीरे से अपनी आंखें खोलें। आज हम यहाँ ईशा योग केंद्र कोयम्बटूर में ध्यानलिंग के प्रवेश द्वार पर हैं। हम आज पंचभूत क्रिया में सद्गुरु के साथ भाग लेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि पंचभूत क्रिया का महत्व क्या है। हर महीने की 14 तारीख को शिवरात्रि मानी जाती है। योगिक परंपरा में पंचभूत क्रिया प्रक्रिया तीव्र तरीके से की जाती है। ध्यानलिंग के देवीय कृपा को आमंत्रित करते हुए
पंचभूत क्रिया में अभेद सूत्र के साथ दीक्षा दी जाती है भय और शंका को मिटाने के लिए। अगर ये दो चीजें मनुष्य के दिमाग से दूर हो जाए तो हम अपनी पूर्ण संभावना के साथ जी सकते हैं। पंचभूत क्रिया में ध्यानगंगा के भूतेश्वर आयाम का आह्वान किया जाता है। यह मानव प्रणाली के भीतर पांच तत्वों को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, जिसे योग प्रणाली में भूत शुद्धि के रूप में माना जाना जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन तत्वों की शुद्धि शरीर और मन में स्थिरता लाती है। इस आराधना में हिस्सा लेना उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है जिन्हें शारीरिक बीमारियां हैं या शारीरिक रूप से कमजोर हैं या मानसिक अस्थिरता, अशांत नींद और निरंतर डर की भावना से पीड़ित है। पंचभूत क्रिया के दौरान कुछ शक्तिशाली प्रक्रियाओं के माध्यम से पांचों तत्वों में से प्रत्येक गुणों तक पहुंचा जा सकता है। ये प्रक्रियाएं हैं मंत्र यानी ध्वनि, यंत्र यानी आकार, तंत्र यानी मंत्र और यंत्र के उपयोग की तकनीक और सर्वांग साधना यानी मानव शरीर का आराधना के साधन के रूप में प्रयोग। प्रत्येक तत्व के भौतिक रूप के साथ साथ उससे संबंधित मंत्र और शारीरिक गतिविधि की एक विस्तृत श्रृंखला को एक विशेष प्रकार के स्पंदन उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि मानव प्रणाली के भीतर इस तत्व को तालमेल में लाया जाए। पंचभूत क्रिया के लिए सिर्फ सबसे शुद्ध सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इस अनूठी भेंट के लिए केवल शुद्धतम ध्यान से चयनित सामग्री का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी या पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए पवित्र मिट्टी को एक विस्तृत प्रक्रिया में शुद्ध किया जाता है। अपाहा या पानी ईशा ब्रह्मचारियों और सन्यासियों द्वारा वेलंगिरी पर्वत के एक शुभ स्थल से लाया गया है, जहां अपने पिछले जीवन में सदगुरु ने एक गुफा में गहन साधना करते हुए समय बिताया था और अपने भौतिक रूप पर पूर्ण महारत हासिल की थी। अग्नि तत्व करने के लिए गायों के दूध से बने शुद्धतम घी, इस संस्कृति में जो कि सबसे अधिक पूजनीय जानवरों में से एक अपने सात्विक गुणों के लिए माने जाते हैं, का उपयोग आग की लपटों को पोषित करने के लिए किया जाता है। वायु तत्व के लिए ब्रह्मचारियों द्वारा बनाई गई एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए महाविल्वा से बने विशाल पंखे को सिंक्रोनाइज गतियों में लहराते हैं। अंत में सदगुरु आकाश को हमारे सामने खोलते हैं, जो असीम स्थान, वो असीम स्थान जो अन्य चार तत्वों को धारण करता है। प्राकृतिक पदार्थों से बने उपकरणों का उपयोग मैथमेटिकल रूप से परिपूर्ण ध्वनियां उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ब्रह्मचर्य और सन्यासियों के द्वारा नृत्य ध्वनियों के साथ तालमेल बिठाते हैं और प्रत्येक तत्व के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जो ध्यान लिंग की ऊर्जा का आह्वान करते हैं, शक्तिशाली और परिवर्तनकारी गूंज पैदा करते हैं। पहली बार पंचभूत क्रिया में ऑनलाइन रूप से भाग लेने का अवसर मिला है। इसमें कोई नया अभ्यास सीखना शामिल नहीं है। इस प्रक्रिया से लाभ उठाने के लिए बस पूरी भागदारी के साथ भाग लेने की जरूरत है। हम आशा करते हैं कि आपने तैयारियां कर ली हैं। हम एक बार तैयारियों को दोहराते हैं। अगर आपसे कुछ मिस हो गया है तो आप अभी भी उसे कर सकते हैं। ध्यानलिंग के चित्र को एक सफेद कपड़े पर रखा गया है। एक दिया आप चित्र के सामने जलाते हैं। आप इस तरह से बैठे हैं कि आप स्क्रीन को भी देख पा रहे हैं और ध्यानलिंग के चित्र की ओर भी मुड़े हुए हैं। आपने मिट्टी का घोल तैयार कर लिया हुआ है भूमि के बॉल्स के साथ तीर्थ में लाके। अब तक आपने स्नान ले लिया होगा तीर्थम के साथ। अगर आपने स्नान नहीं लिया है तो आप बस तीर्थम को अपने सर पर उड़ेल सकते हैं। आप वस्त्रम पहने हुए हैं। आपने अभय सूत्र अपने कलाई पर बांध लिया है। महिलाओं ने बाएं रिस्ट पर और पुरुषों ने दाएं कलाई पर इसे बांध लिया होगा। आपने मिट्टी का लेप इन चार बिंदुओं पर लगा दिया है, भावों के बीच, अपने गले के गड्ढे पर, वो जगह जहां आपकी पसलियां मिलती हैं और आपकी नाभि से एक इंच नीचे। अब जो दूसरा भूमि का बॉल है उसे आप निगल लीजिए। कृपया पालथी मार के बैठिए, आपकी हथेलियां ऊपर की ओर। पंचभूत क्रिया अब स्टार्ट होगी।
अब आरंभ होगी। ये प्रक्रिया 20 से 25 मिनट तक चलेगी, तो आप कृपया पूरे इस पूरे प्रक्रिया के दौरान बैठे रहें। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस सिंपली बैठे रहें पूरी तरह से भागीदारी के साथ। जिन लोगों ने अर्ध सिद्धासन सीखी बाएं एड़ी के ऊपर रखकर, कृपया अपनी आंखें पूरी प्रक्रिया के दौरान खुली रखें। सतगुरु जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। कृपया अपनी आंखें खुली ही रखें।
साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वहि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संसार समुद्रकार नौकायुताभ्यां गुरुभक्तताभ्यां वैराज्य साम्राज्य भक्तोजनाभ्यां नमो नमः। श्रीगुरुपादपाभ्यां श्रीगुरुपादपाभ्यां कामानि सर्वार्जनार्णाभ्यां विवेकवैराग्यनिधे
नमस्कारम। चलिए योग योग योगेश्वराय के जाप से हम शुरू करते हैं। कृपया धीरे से अपनी आंखें खोलें। आज हम यहाँ ईशा योग केंद्र कोयम्बटूर में ध्यान लिंग के प्रवेश द्वार पर हैं। हम आज पंचभूत क्रिया में सदगुरु के साथ भाग लेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि पंचभूत क्रिया का महत्व क्या है। हर महीने की 14 तारीख को शिवरात्रि मानी जाती है। योगिक परंपरा में पंचभूत क्रिया प्रक्रिया तीव्र तरीके से की जाती है। ध्यान लिंग के देवीय कृपा को आमंत्रित करते हुए पंचभूत क्रिया में अभेदु सूत्र के साथ दीक्षा दी जाती है, भय और शंका को मिटाने के लिए। अगर ये दो चीजें मनुष्य के दिमाग से दूर हो जाए तो हम अपनी पूर्ण संभावना के साथ जी सकते हैं। पंचभूत क्रिया में
ध्यानलिंगा के भूतेश्वर आयाम का आह्वान किया जाता है। यह मानव प्रणाली के भीतर पांच तत्वों को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, जिसे योग प्रणाली में भूत शुद्धि के रूप में माना जाना जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन तत्वों की शुद्धि शरीर और मन में स्थिरता लाती है। इस आराधना में हिस्सा लेना उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है जिन्हें शारीरिक बीमारियां हैं या शारीरिक रूप से कमजोर हैं या मानसिक अस्थिरता, अशांत नींद और निरंतर डर की भावना से पीड़ित हैं। पंचभूत क्रिया के दौरान कुछ शक्तिशाली प्रक्रियाओं के माध्यम से पांचों तत्वों में से प्रत्येक गुणों तक पहुँचा जा सकता है। ये प्रक्रियाएं हैं मंत्र यानी ध्वनि, यंत्र यानी आकार, तंत्र यानी मंत्र और यंत्र के उपयोग की तकनीक और सर्वांग साधना यानी मानव शरीर का आराधना के साधन के रूप में प्रयोग। प्रत्येक तत्व के भौतिक रूप के साथ साथ उससे संबंधित मंत्र और शारीरिक गतिविधि की एक विस्तृत श्रृंखला को एक विशेष प्रकार के स्पंदन उपलब्ध करने उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि मानव प्रणाली के भीतर इस तत्व को तालमेल में लाया जाए। पंचभूत क्रिया के लिए सिर्फ सबसे शुद्ध सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इस अनूठी भेंट के लिए केवल शुद्धतम ध्यान से चयनित सामग्री का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी या पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए पवित्र मिट्टी को एक विस्तृत प्रक्रिया में शुद्ध किया जाता है। अपाह या पानी ईशा ब्रह्मचारियों और सन्यासियों द्वारा वेलंगिरी पर्वत के एक शुभ स्थल से लाया गया है, जहां अपने पिछले जीवन में सदगुरु ने एक गुफा में गहन साधना करते हुए समय बिताया था और अपने भौतिक रूप पर पूर्ण महारत हासिल की थी। अग्नि तत्व करने के लिए गायों के दूध से बने शुद्धतम घी, इस संस्कृति में जो कि सबसे अधिक पूजनीय जानवरों में से अपने सात्विक गुणों के लिए माने जाते हैं, का उपयोग आग की लपटों को पोषित करने के लिए किया जाता है। वायु तत्व के लिए ब्रह्मचारियों द्वारा बनाई गई एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए महाविल्वा से बने विशाल पंखे को सिंक्रोनाइज गतियों में लहराते हैं। अंत में सदगुरु आकाश को हमारे सामने खोलते हैं, जो असीम स्थान, वो असीम स्थान जो अन्य चार तत्वों को धारण करता है। प्राकृतिक पदार्थों से बने उपकरणों का उपयोग मैथमेटिकल रूप से परिपूर्ण ध्वनियां उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ब्रह्मचर्य और सन्यासियों के द्वारा नृत्य ध्वनियों के साथ तालमेल बिठाते हैं और प्रत्येक तत्व के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जो ध्यानलिंग की ऊर्जा का आह्वान करते हैं, शक्तिशाली और परिवर्तनकारी गूंज पैदा करते हैं। पहली बार पंचभूत क्रिया में ऑनलाइन रूप से भाग लेने का अवसर मिला है। इसमें कोई नया अभ्यास सीखना शामिल नहीं है। इस प्रक्रिया से लाभ उठाने के लिए बस पूरी भागदारी के साथ भाग लेने की जरूरत है। हम आशा करते हैं कि आपने तैयारियां कर ली हैं। हम एक बार तैयारियों को दोहराते हैं। अगर आपसे कुछ मिस हो गया है तो आप अभी भी उसे कर सकते हैं। ध्यानलिंग के चित्र को एक सफेद कपड़े पर रखा गया है। एक दिया आज चित्र के सामने जलाते हैं। आप इस तरह से बैठे हैं कि आप स्क्रीन को भी देख पा रहे हैं और ध्यानलिंग के चित्र की ओर भी मुड़े हुए हैं। आपने मिट्टी का घोल तैयार कर लिया हुआ है, भूमि के बॉल्स के साथ तीर्थ मिला के। अब तक आपने स्नान ले लिया होगा तीर्थम के साथ। अगर आपने स्नान नहीं लिया है तो आप बस तीर्थम को अपने सर पर उड़ेल सकते हैं। आप वस्त्र पहने हुए हैं, आपने अभय सूत्र अपने कलाई पर बांध लिया है, महिलाओं ने बाएं रिस्ट पर और पुरुषों ने दाएं कलाई पर इसे बांध लिया होगा। आपने मिट्टी का लेप इन चार बिंदुओं पर लगा दिया है, भावों के बीच, अपने गले के गड्ढे पर, वो जगह जहां आपकी पसलियां मिलती हैं और आपकी नाभि से एक इंच नीचे। अब जो दूसरा भूमि का बॉल है उसे आप निगल लीजिए। कृपया पालथी मार के बैठिए। आपकी हथेलियां ऊपर की ओर। पंचभूत क्रिया अब स्टार्ट होगी, अब आरंभ होगी। ये प्रक्रिया 20 से 25 मिनट तक चलेगी, तो आप कृपया पूरे इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बैठे रहिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस सिंपली बैठे रहिए पूरी तरह से भागीदारी के साथ। जिन लोगों ने अर्ध सिद्धासन सीखा हुआ है आप अर्ध सिद्धासन बैठ सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हैं पालथी लगाकर। आप अगर ये संभव नहीं है तो आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, अपनी एड़ियां दाएं एड़ी बाएं एड़ी के ऊपर रखकर। कृपया अपनी आंखें पूरी प्रक्रिया के दौरान खुली रखें। सदगुरु जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे।